नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कि आप पहले जानते भी हो, सम ऑफ यू और सम कुछ लोग जो हैं जानते नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल है और जो कि मैंने अपने नाम से ही बनाया हुआ है और मैं इन काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस क्रिएट करता हूँ। तो ये सब वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपके मेल बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा और आपको ईमेल भी मिलेगी। तो उसके लिए आप एक सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके मेल बॉक्स में मिले और आपको मेरी सारी वीडियोज़ का पता लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहली साइट जो है वो है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि है internetmap.net। अब इसमें क्या खासियत है ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो इंटरनेट मैप है ये हमारा जो है पूरा नेटवर्क जो है इसमें आता है, यानी कि ये एक मैप है जितना भी हमारी साइट्स बनी हुई हैं उन सब के लिए। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सिंबल है वो यूनाइटेड स्टेट के लिए है, ये ग्रीन जो है वो इंडिया के लिए है, ये वाला चाइनीज़ के लिए है, चाइना सॉरी जर्मनी रसिया जापान फ्रांस यूके इटली ब्राज़ील स्पेन ईरान मेक्सिको पोलैंड तुर्की एंड इंडोनेशिया सऊदी अरेबिया नीदरलैंड्स एंड कनाडा। सो गाइज, अभी इसमें खासियत मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास पूरा जो हमारी साइट्स है, मतलब जो हमारी ग्लोबल साइट्स हैं वो उसका पूरा मैप है ये हमारे पास। इसमें आप देख सकते हो, अगर मैं ये वाला सबसे बड़ा है तो अगर मैं इसको देखता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को बताएगा कि google.com जो है वो ग्लोबल रैंक वन नंबर वन साइट है और US में भी वो नंबर वन साइट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो google.com जो हमारी वेबसाइट है या हमारा इंटरनेट है या व्हाटएवर जो भी हमारा सर्च इंजन है इसके प्रोडक्ट है वो सबसे बड़े हैं और वो फर्स्ट नंबर पे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इनमें से कोई भी उठा लेता हूँ, चलिए ये उठा लेते हैं, तो ये हमारा है twitter.com जो कि ग्लोबल रैंक जो है हमारी 11 है और यूनाइटेड स्टेट रैंक जो है 8 है। इसके बाद अगर हम कोई भी छोटा सा भी उठा लेते हैं, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये है हमारा safemail.net जिसकी ग्लोबल रैंक जो है 89,296 है और US रैंक जो है 4,409,108 है। तो इस साइट के बारे में इतना ही, नेक्स्ट के बारे में बताता हूँ कि हमारी कौन सी साइट है। नेक्स्ट है pointer.com। अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है, प्लीज मूव योर कर्सर। अब जैसे ही आप इस पे माउस लेके आएंगे ना तो ये आपके माउस की पॉइंटिंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि जहाँ लाइक जस्ट लिटिल बिट भी आप अगर अपना माउस चेंज करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब कोई ना कोई स्टोरी या कुछ भी आपको मिलेगा वहाँ पे आप चेंजेस करोगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही है साइट में, अगली साइट में आपको बताता हूँ। अगली साइट जो है मेरी है वो है टाइम। जैसे कि अगर आपको रियल टाइम पता करना है कि एग्जैक्ट रियल टाइम क्या चल रहा है तो ये साइट है जो कि आपको बताती है रियल टाइम, और आप इससे मैच कर सकते हैं कि क्या टाइम चल रहा है आपका।
ये देखिए आपको, ये मेरे सिस्टम में जो क्लॉक बता रहा है कि मेरा जो क्लॉक है वो 0.5 सेकेंड आगे है जो रियल टाइम है। और आप इसमें देख सकते हो हर चीज़ इसमें यहाँ पे अपडेटेड है। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क का टाइम, लंदन का टाइम, पेरिस का टाइम, मॉस्को का टाइम, बीजिंग का टाइम, टोक्यो टाइम, मतलब हर एक अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगी टाइम के बारे में। तो आप इसको कैसे भी टाइम एक्सेस करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जो कि आप देखोगे तो थोड़ा आपको सरप्राइज भी लगेगा। ये ऐसी साइट है जो आपको सारे प्लान्स जो आपके करंटली फ्लाई कर रहे हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिलेगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कितने एयरप्लेन्स जो है रनिंग में है, और इसमें से आप कोई भी प्लान उठा के उस पर क्लिक कर सकते हो और वो आपको पूरी डिटेल उसकी मिल जाएगी कि वो कहाँ से और कहाँ के लिए उड़ा है। ये देख सकते हैं आप, टोक्यो से मुंबई के लिए है और शेड्यूल है 12:30, और शेड्यूल यानी कि अराइवल जो है 5:45 तक वो इंडिया आ जाएगा, और एक्चुअल इतना। ये सब मतलब डिटेल आपको पता कर सकते हैं। अगर आपका कोई मतलब आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स या वट एवर कोई आ रहा है और आप उसके फ्लाइट नंबर पूछ के उससे आप उस फ्लाइट का पता लगा सकते हैं। और अगर मैं इस ये मैं जैसे फ्लाइट नंबर की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे इसका है IGO 978, मैं सर्च करता हूँ IGO 978। ये देखिए बेंगलोर टू दिल्ली, आपको पूरी साइट की मतलब इस साइट पे आपको पूरी फ्लाइट की सारी डिटेल्स जो हैं आपको मिल जाएगी। और इन साइट्स के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं एक साइट का और आपको बता देता हूँ, ये हमारी एक साइट है जिसमें आप पता कर सकते हो कि हमारी अर्थ कैसे दिखती थी इतने इयर्स पहले। ये देखो आप, अगर आप यहाँ पे कुछ भी चूज करते हो, 450 मिलियंस ईयर अगर आप चूज करते हो तो हमारी अर्थ जो है ऐसी दिखती थी उस टाइम। ये देखिए, और अगर मैं इतना कर देता हूँ तो ये देखो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, और हर चीज़ मतलब इंडिया वगैरह भी आई थिंक नहीं है इसमें। आई थिंक सो नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखिए मतलब ऐसी थी हमारी अर्थ इतने ईयर्स पहले। और अगर मैं करता हूँ 20 मिलियन, से देखिए हम पहुँच गए, इंडिया हमारा अब शो रहा है आपको। ये देखो आप, तो ऐसी थी हमारी अर्थ 20 मिलियंस ईयर्स एगो। तो इस साइट में ये मैंने आपको बताया, एक और साइट है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि है कूल। ये थोड़ी सी है अजीब सी साइट है, वैसे अच्छा लगेगा आपको। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए आप इसमें सेंटर में देखिए, और अगर आप इसको फुल स्क्रीन में देखते हैं तो ये आपके माइंड को चेंज कर सकता है, क्योंकि जो सेंटर में पॉइंट है ना, अगर आप उस पर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो, और उसके बाद फिर बाहर देखेंगे तो आपकी माइंड को ये चेंज कर देगा बहुत ज़्यादा हद तक। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में, और शेयर जरूर कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.